खरगोन जिले में गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम बिलखेड़ में पति पत्नी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों मेला घूमने के लिए घर से रवाना हुए थे। हम आपको बता दें कि पत्नी अपने मायके आई और पति उसे लेने पहुंचा, लिहाजा दोनों हंसी खुशी मासूम बच्ची को लेकर मेले के लिए रवाना हुए और घटना घटित हो गई, जबकि बच्ची कुएं में कुछ दूरी पर मिली जिसका उपचार चल रहा था। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेंद्र सिंह पवार ने बताया, जहरीले पदार्थ का सेवन करके दोनों ने जीवन लीला समाप्त की है, जिसकी जांच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमको मालूम नहीं कि काई हुई है इनका घर में, वहाँ से दुई जोन लड़ी बिड़ी ना आया कि आसाज आया कि राजी खुशी से आया हमारा घर। अब हमने कोई एक दो चार दिन रहो तो कहे कि हाओ भी कहे कि आज जवान नहीं था हम, तो हमने कहे कि नहीं रही जाओ आज को दिन और यानी चली जा जो तो फिर वो कहे कि हम मेड़ो करना जवान थे, मेड़ो करना कर लेना घर रहेगा, घर हम गाँव काटना चलेगा सब जोन अन वो अकेला घर होता तो एक छोरी का भी बालक तीन घर आयल थी कि हम गाँव काटना चलेगा सब बालक ने घर धरेगा बालक ने छोड़ी ना छी ये छोरी को उठे ना अन बिलखेड़ का रास्ता लगी गया कि सोनीपुरा वोलवाड़ी पर सी कहीं मोटर से गया ना जाना पाई पाई गया कहीं मालूम कसा गया। अब हम तो धाड़की जायल होता तो वो छे हमको वहाँ से गाँव से फिर फोन लगाए कि डेट गया का भी छोरा छोरी कही थी कुआ में पड़े से जब हमको मालूम मार भाई भीड़ खबर ले गए कि वहाँ तो खबर लियो कभी पोरिया पारे वहाँ रात रही गा वही तो कि साहब एक बाद में हमको कहीं मालूम नहीं है। क्या हुआ अभी घटना क्या रही थी? घटना क्या वो मर गई तो उसका पोस्टमार्टम हो गया तो वो घर चली गई। अब वो छोरा छोरो नहीं मिली रो ना कुआ मन चिप्पल पड़ेल से अब वो नहीं मिलेगा तो फिर हम काई करांगा अपन कहाँ जाएल से नहीं कि वो कान में पड़ेल से। अब छोरी बयान दई गई कहीं कसा दई गई नहीं वो कह कि हम हमारी राजी मर्जी से पड़ेल से फिर ना है नहीं वो आपको न कर नहीं मालूम है वो कि हम कहीं वहाँ पास थोड़ा राम ठेठ गोगाँव कुछ दिन से हम यहाँ के लिए रवान ये अकेले थी हाँ साथ में लई गई थी ये बाहर थी या ये सुलायल थी हाँ कुआ से बाहर सुलायल रहे तो हमको रात को मालूम हुई क्योंकि वो थोड़ी आइसिम धरेल थे और उठे थे बयान दे कर शांत हुई थी। हमारा नाम सुमति भाई जी। दंपत्ति कुएं में कूद गए, दोनों की मौत भी हो गई, क्या है वो? थाना गोगावा क्षेत्र में बिलखेड़ ग्राम पड़ता है, वहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर दूर एक किसान है, उसके खेत के कुएं में जो है एक स्त्री पुरुष के जो है कूदने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर से कल हमारी 100 टाइम मोबाइल 5 बजे करीब रवाना होकर के मौके पर पहुंची तो देखा महिला जो है वो कुएं में थी और पकड़े हुए थी, एक झाड़वाड़ की जड़ थी और उसका पति तो दिख नहीं रहा था। तत्काल गाँव वालों की मदद लेकर उसको बाहर निकाला गया और उसको 100 टाइल से हमने रवाना किया, बाद में उसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया, DH भर्ती किया गया। तो महिला से बातचीत के दौरान ये पता चला कि उसका पति भी कुएं में कूदा है और बाद में उसके पति की तलाश की जाती रही लेकिन कुएं की गहराई ज़्यादा होने से वो बॉडी मिल नहीं पाई। वो बॉडी आज मिल गई है, आज थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है, वो मिल गई है और उसका भी विधिवत जो है CM कराया जा रहा है। तो महिला की कल दौरान इलाज रात्रि में मृत्यु हो गई, ऐसा जानकारी में आया है कि दोनों ने कूदने से पहले कोई पॉइजनस दवाई ली थी और उसके बाद वो कुएं में कूदे थे। महिला का एक छोटा बच्चा भी है जो वहीं कुएं से 50 गज की दूरी पर एक फसलों के बीच में बैठा हुआ मिला, जिसको भी इलाज के लिए DH हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, ऐसा जानकारी में आया है कि शायद उसको भी कुछ पॉइजनस चीज मिलेगी लेकिन अभी फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है। सर कोई कारण निकल कर आया कि किस तरह किस कारण से ये कल जांच में प्राप्त हुआ कि कल सुबह जो महिला है वो अपना मायका है उसका गुजराती खेड़े जो खरगोन के निकट है वहाँ आई हुई थी और वहाँ पर उसका पति उसको लेने आया था। जब लेने आया तो उन दोनों के मध्य बात हुई और इसने महिला ने अपने घर वालों को बताया कि वो
मेले में जो खरगोन में अभी वर्तमान में चल रहा है नवग्रह मेला, उसमें जाना चाह रही है पति के साथ। तो घर से वो हंसी खुशी विदा हुए। उसके बाद रास्ते में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या विवाद हुआ, इस बात की जांच की जा रही है, मर्ग जांच में ज्ञात होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।